प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं और एनडीए में शामिल होने के बाद एबीपी न्यूज से बातचीत किया ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विपक्षी एकता में दम नहीं है। 18 जुलाई को पीएम से मुलाकात होगी, उसके बाद सब साफ कर दूंगा। ये बयान ओपी राजभर का। एसपी में तेजी से बदलाव हो रहा है, राजभर ने यह भी कहा। तो देखिए स्थिति साफ होगी जब 18 जुलाई को प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, ऐसा कहना है ओम प्रकाश राजभर का। अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है, वो एनडीए के साथ जा रहे हैं और इसका विधिवत ऐलान भी ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं। राजभर जी, किन परिस्थितियों में ये निर्णय लिया और क्या क्या तय हुआ है? देखिए, जो आप लोगों के यहाँ भी सस्पेंस बना हुआ था, बार बार सवाल आप लोग भी करते थे, हम भी बार बार आप लोगों को इधर उधर बताते रहते थे, हमारे भी दिमाग में बात आई कि अब हम लोगों को एक दिशा तय कर लेनी चाहिए। तो जब इधर हमने देखा कि विपक्षी एकता में कोई दम नहीं है, ये लोग एक नहीं हो सकते, तो फिर दिल्ली हमने बात की और हालांकि पहले से जो सवाल आप लोग करते थे कि माननीय दयाशंकर सिंह जी से, कभी माननीय ब्रजेश पाठक जी से, तो कभी माननीय स्वतंत्र देव पटेल जी से, तो कभी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलते रहते थे, तो बातचीत इन लोगों से भी होती रहती थी, ये लोग भी मैसेज दिल्ली देते रहते थे। तो दिल्ली से जब गए 14 तारीख को, तो घंटों बातचीत हुई प्रदेश की हालत पे, क्या क्या सिचुएशन। किसकी तरफ से हुई, आपकी तरफ से कि उधर से? नहीं, उधर से, प्रधानमंत्री जी के तरफ से निर्देश हुआ तो बुलाया गया, और बुला करके तो तय हुआ कि एनडीए में पहले इनको शामिल करिए, और प्रधानमंत्री जी बाहर गए हुए थे। ये तो तय हो गया कि आप एनडीए में शामिल हो रहे हैं, अब किन शर्तों को लेकर के क्या बातचीत आगे की है, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है, इस पर कुछ स्थिति स्पष्ट हुई, इस पर कुछ तय हुआ है? नहीं, देखिए जैसा कि ट्वीट आपने माननीय अमित शाह जी का देखा, तो हम तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एनडीए में शामिल किया। और देश के गृह मंत्री जी ने जो ट्वीट किया, उसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एनडीए में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत मिलेगी और हम लोग गरीब वंचितों की लड़ाई, शोषितों की लड़ाई मिल करके साथ लड़ेंगे। ये तो कह रहे थे अभी कुछ दिन पहले तक कि मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाना चाहिए, और एक हफ्ते में आपका मायावती से मोदी पहुंच गए आप, इसकी क्या वजह है? माँ से मायावती है, माँ से मोदी। जब ये लोग एक नहीं हो रहे हैं, अखिलेश जी भाग भाग के तमिलनाडु खाली जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, यहीं यूपी में बगलें जो है बैठी हैं, मायावती जी मिल ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं जब तमिलनाडु जा रहे हैं तो कहें कि कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आ रहे हैं तो कहें मायावती की ज़रूरत नहीं है, ओम प्रकाश की ज़रूरतें नहीं है, तो उठवा के दई उन्हें। क्या लगता है इतने दिन आप साथ रहे हो, उनको किसकी ज़रूरत है? उनको अकेले ज़रूरत है। अंतिम सवाल है कि ये भी बात सामने आ रही है कि आपको योगी मंत्रिमंडल में बहुत जल्द शामिल किया जाएगा, क्या पद मिलने वाला है? कैबिनेट मंत्री की तो बात आम हो गई है, पोर्टफोलियो क्या रह सकता है? 18 के बाद बताएंगे, बुलाएंगे यहीं, पोर्टफोलियो 18 के बाद बताएंगे, सब कुछ बताएंगे बारी बारी। कुछ तो आज बता दी? नहीं, आज कुछ नहीं, झूठ नहीं बोलते हम, अभी उस पर कोई बात नहीं, ना कोई चर्चा है, अब वो टाइम आएगा तब तो आपको बुलाएंगे, सामान यहीं बुला करके बताएंगे कि आज ये होने जा रहा है। तीन मंत्री पिछली बार आमंत्रित रहेंगे 22 के चुनाव के पहले, तीन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान, एक एक दिन करके हैट्रिक बनाई गई थी, कहा गया था एक एक मंत्री टूट करके जा रहा है, तो अब क्या स्थिति है, क्या उसी क्रम में वापसी होगी? दारा सिंह चौहान तो आ गए। धैर्य रखिए, जैसे इतना दिन सुभाषपा के लिए धैर्य रखे, उसने और धैर्य रखिए, बहुत धैर्य ना रखाइए, कुछ तो खोल दीजिए। अब जल्दी जल्दी होगा। कहाँ रहता फलाने जा रहा है? नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं अभी, तो 18 को तैयारी कर रहे हैं, कुछ माल पानी लाई, टिकट विकट का, दिल्ली जाएगा। ओम प्रकाश राजभर हैं, अपने तरीके से सवालों का जवाब देते हैं, और ये दावा है कि 18 तारीख अहम होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत जो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व है उनसे ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात होगी, और उसके बाद कई सारी जो सवाल हैं, कई सारी चीज़ें क्या तय हुई हैं, उन सबका खुलासा करेंगे।
कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।